पार्लियामेंट रे आगत हो वाक्फ बोर्ड नियम संशोधन बिल संख्यालघु मंत्री लोकसभा रे आकु उपस्थापन करिवे। ए बिल माध्यम रे वाक्फ आइन रो पुनर्विन्यास करबा पई लक्ष्य रखा जैछि। एहा द्वारा वाक्फ संपत्ति बाड़ी रो मालिकाना रे संशोधन करा जिवा सहित गरीब मुसलमान और महिला अनाथ मानकु न्याय देबाकु लक्ष्य रखा जैछि। सरकार आशा रखिछन्ति सर्वसम्मति क्रमे बिल पास हेबो, नचेत याकु सिलेक्ट कमिटी को पठा जिवा नै मध्य सरकार चिंता करि पारन्ति। 1950 वाक्फ आईन सेक्शन 40 अनुसार वाक्फ बोर्ड देशर जेकोणसी संपत्ति निजर बोली दाबी करि पारिबो, तेणु एबे देशर सर्वाधिक संपत्ति वाक्फ बोर्ड पाखरे रहिछि। सरकार एथिरे संशोधन आणिबाकु चाहुछन्ति, तबे सरकारक वाक्फ बोर्ड आईन संशोधन प्रयास को किछि नेता विरोध मध्य करुछन्ति। अशादन्य ओवेसिंक भळि किछि नेता खोलाखोली आकु विरोध कहिछन्ति। अगर आप जो है वो इसी संकीर्ण सियासत में, इसी सोच में और इसी सनक में रहेंगे कि वक्फ व्यवस्था को, वक्फ के सिस्टम को टच मी नॉट, मतलब उसे आप छू नहीं सकते, छुई मुई है। अरे भाई, हर जो समावेशी सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार की जो आपकी सनक है वो ना तो मुल्क के लिए बेहतर है और ना मज़हब के लिए बेहतर है। और एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का जो है वो लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन जो है वो वक्त के लिए भी बेहतर है और वक्त के लिए भी जरूरी है। जो डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी में उसका सर्वे कराएंगे। आप कौन होते हैं भाई, डिस्प्यूट है तो जुडिशियरी डिसाइड करेगा। आप कौन होते करने वाले उसको, आप होते कौन? आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डिस्प्यूट के नाम पे इंक्वायरी कराएंगे, वो तो जुडिशियरी करना चाहिए। मकसद एक ही है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को मुसलमानों से छीन लिया जाएगा।